बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। फीस रिसिप्ट बुक एमएस वर्ड में किस तरह बनेगी, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट लेआउट में जाएंगे, ओरिएंटेशन में जाकर लैंडस्केप क्लिक कर लिया मैंने। पर पेज पर हम दो कॉपी प्रिंट करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले मैं रेक्टेंगल राउंडेड सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब ये रेक्टेंगल राउंडेड को हम यहाँ से राउंड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हम फिर कंट्रोल के साथ इसकी कॉपी लेंगे इसके साथ और यहां से इसको हम बड़ा कर देंगे। ठीक है जी, इस तरह से कंट्रोल F2 या फाइल में प्रिंट के अंदर क्लिक करेंगे। यहां पर हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है लेफ्ट राइट। अब इसमें थोड़ा सा टाइपिंग का काम करेंगे, बैक करेंगे या एरो पे क्लिक करेंगे, बैक पे आ जाएंगे अपना और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इसके अंदर एड टेक्स्ट। अब ABC एकेडमी में नाम दे रहा हूँ आपका, इंस्टीट्यूट है, ट्यूशन है या जिसके लिए भी कोचिंग सेंटर के लिए बना रहे हैं वो आप नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा यूर स्लोगन ईयर। दोनों को सिलेक्ट करेंगे नो स्पेस और इस नो स्पेस के साथ फिर इसको यहाँ से सेंटर कर लेते हैं और सेंटर के साथ इसमें एक और टेक्स्ट एंट्री करनी है, एड्रेस का। ठीक है जी, करीमाबाद ब्लॉक कराची। इस तरह से जो भी एड्रेस डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी और उसको एंटर करेंगे। एक लोगो यहाँ पर सेट करना है, लोगो लगाने के लिए शेप्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पे मैं एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई सा भी इसमें आप अपना एक लोगो ऐड करेंगे, शेप फिल, जब ये सर्किल बन जाएगा तो शेप फॉर्मेट और शेप फिल और यहाँ पर जाएंगे पिक्चर ऑप्शन के अंदर। ठीक है जी, लोगो मैंने इंसर्ट कर लिया है, इसमें से लोगो का शेप आउटलाइन जो है वो नन कर दी मैंने और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसी की कॉपी लेंगे हम, सेम यही चीजें हमारी इधर भी ऐड होंगी तो इसको भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है जी, ये अपने कंपनी रिकॉर्ड्स के लिए होगी यानी इंस्टीट्यूट्स वगैरह के लिए और ये जो होगी वो स्टूडेंट्स को हैंड ओवर की जाएगी। तो ये वो कॉपी है। अब यहाँ पर हम ABC सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको बोल्ड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं इस तरह से और इसको कंट्रोल सी करेंगे कॉपी और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एड टेक्स्ट, कर्सर सेंटर, कंट्रोल वी। ठीक है जी, इसको लोगो को थोड़ा सा छोटा कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट एंट्री जो होंगी वो यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पे कंट्रोल एल कर रहा हूँ मैं कर्सर लेफ्ट साइड अलाइन, यहाँ पर आ जाएगा सीरियल नंबर स्पेस शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर और फिर टैब दबाएंगे, कर्सर राइट मूव की तरफ ले आएंगे और फिर शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर और फिर उसके बाद इंटर, नेक्स्ट नेम फिर कॉलन स्पेस शिफ्ट के साथ नेम के लिए फुल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ उसकी, फिर एंटर करेंगे, क्लास अंडरस्कोर कोर्स फिर कॉलन स्पेस फिर एंटर, एडमिशन फीस और यहाँ अंडरस्कोर आ जाएगा पूरा। ठीक है जी, एंड तक और फिर एंटर, फी फॉर द मंथ ऑफ स्पेस शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर, जहां ब्लू लाइन आ रही है वो ग्रामर मिस्टेक के लिए होती है तो आप वहां से फिर राइट क्लिक करके उसको सही कर लेंगे।
यहाँ पर आ जाएगा, एंड में कर्सर ला के इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ऑफ फुल स्टॉप रेस, और फिर आ जाएगा फुल स्टॉप। एंड क्लिक करेंगे कर्सर और फिर एंटर करेंगे, और यहाँ पर लेट फीस रेस, और फिर इसके बाद शिफ्ट के साथ लेट फीस। थोड़ा सा साइज इसको बड़ा करेंगे हम यहाँ से, ठीक है जी। इस तरह से इसको बड़ा कर लिया मैंने। और जहां से आप ये आउट हो रही है कर्सर क्लिक करके, वहां से आप सेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है जी। अब जैसे एडमिशन फीस यहाँ से हमारी नेक्स्ट लाइन में आ रही है, इधर कर्सर क्लिक करेंगे ऊपर लेकर आ जाएंगे इसको, और एंड से अगर ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो फिर यहाँ पे कॉलन क्लिक करेंगे और सेट कर लेंगे इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास बॉक्स ड्रॉ होगा, इसके लिए शेप्स में जाएंगे, यहीं पे हम ये वाला बॉक्स ले लेते हैं और इसको हम आउटलाइन थोड़ी डार्क कर लेते हैं, और एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके इसको भी यही विथ कर देते हैं आउटलाइन। और यहाँ पर हमारे पास आर एस आ जाएगा, इसका कलर जो अलग से बॉक्स बनाया है इसको नॉन कर देंगे, शेप आउटलाइन नॉन कर देंगे, और यहां से इसको हम इसके अंदर सेट कर लेंगे, ठीक है जी। यहां पर फुल स्टॉप आ जाएगा, यहां से फॉन्ट देख लें जो भी सही लग रहा है उस हिसाब से फॉन्ट को फाइनल कर लेते हैं। और यहां से इसको अब हम विथ को कम कर लेंगे, ठीक है जी। यहां पर अब एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे और यहां पर सिग्नेचर का ऑप्शन दे देंगे आप, शेप आउटलाइन नो, शेप फिल नो। एक और बॉक्स ड्रॉ करेंगे और यहां पर वो नोट लिख लेंगे हम, स्पेस लेट फीस विल बी चार्ज ₹50, और इसको सिलेक्ट करेंगे यहां से। आउटलाइन जो है वो मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है जी। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे यहां से, राइट क्लिक करेंगे ग्रुप इस तरह से, और ये यहाँ पर आ जाएगा लाइट। इसका भी कलर, इस बॉक्स का शेप फिल नो, आउटलाइन नो, और ये इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, यही चीजें सेम जो होगा वो हमें इसके अंदर भी ऐड करनी है। अब ये जो हमारे कैटेगरी ऑप्शन आ रहे हैं तो इन सबको पहले हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और होम मेन्यू में जाएंगे,
यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाकर ऑल जो होगा ये सब सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप, ठीक है जी। ग्रुप के बाद मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और इसी की कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल के साथ, और इसको रिसाइज करके चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, यहां से इसको हमने सेट कर लिया इधर, और थोड़ी सी सेटिंग्स हमें यहाँ पे करनी होगी। इसको टैब से पहले बैक स्पेस कर लेंगे, और फिर यहां से जो नेम हमने लिखा था, नेम के लिए आउटलाइन, नेम के बाद क्लास के लिए हो जाएगी, यहां से इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब क्लास के बाद जो होगी यहाँ पर क्लास की आउटलाइन कम करी हमने, फिर इसके बाद कोर्स, कोर्स के लिए आ जाएगी ये, इसी तरह एडमिशन फीस, यहां से इसको बैक स्पेस करेंगे। या एडमिशन के साथ फीस स्पेस एंड में आएंगे, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ इसको। इसी तरह सेम हमारा फीस, यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। उसके बाद ये वाली जो आउटलाइन आ रही है इसको भी डिलीट कर देंगे, और यहाँ से इसको भी एंटर कर लेंगे, शिफ्ट दबा के अंडर स्कोर, और यहां से ये वाला जो टैक्स आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, ये सिग्नेचर आ गया, और यहां पे ये इसको पहले अनग्रुप कर लेता हूँ। अनग्रुप के बाद अब जो चीजें जहां से सेट करनी है हमें, ठीक है जी, इसको छोटा कर लिया हमने, सिग्नेचर के ऑप्शन को छोटा कर लिया, इस वाले बॉक्स को क्लिक करा हमने, यहां से इसको छोटा कर लिया। ठीक है जी, जो जो चीजें यहाँ पे हमारी सेट हो सकती हैं वो हम एडजस्ट करेंगे इसको। इसके साथ और यहां से ये दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑल सिलेक्ट, राइट क्लिक, सिलेक्ट, राइट क्लिक, ग्रुप, और ये हो गई हमारी कंप्लीट। ठीक है जी, और इसी की अब हम कॉपी कर लेते हैं ऑल सिलेक्ट के लिए, यहां से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है हमारा, आउटसाइड से सिलेक्ट करेंगे हम, और इसी तरह इसकी कंट्रोल के साथ कॉपी, ठीक है जी। पेपर अगर हमें चेंज करना है, लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे A4 सेलेक्ट कर लेते हैं, और थोड़ा सा अगर इसको रिसाइज करना है तो यहाँ से रिसाइज भी कर सकते हैं।
और अगर इस तरह पोर्ट्रेट में प्रॉब्लम हो तो लैंडस्केप, लेकिन लैंडस्केप में फिर हमने ओरिजेंटल का इसका ख्याल रखा है, तो लैंडस्केप के ही अंदर जो होगा वो फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है जी। रिसाइज वगैरह करके जो फॉन्ट्स वगैरह होंगे वो हम थोड़ा सा इसको टॉप बॉटम साइड से एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लिया और दोनों को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबा के। इस तरह से सेट, कंट्रोल F2, तो इस तरह से हमारी एक पेज पर एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है जी। जहाँ आउटलाइन के लिए प्रॉब्लम आ रही हो, ये जो हमारा बॉक्स बना हुआ है तो उसको फिर आप राइट क्लिक करके अनग्रुप करके जहाँ सिंगल लाइन ये बनी हुई है इसको आप सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से थोड़ा सा बॉटम साइड पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है जी। कोई चीज़ें अगर इसमें मिस हो रही हैं तो उस हिसाब से फिर आप उसको अनग्रुप करके मैनुअल जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं टैक्स वगैरह को। तो ये हमारा तकरीबन कंप्लीट फाइनल हो गया। प्रिंट के हवाले से जो भी हमें इसको प्रिंट करना है, कितनी कॉपीज चाहिए, प्रिंटर जो हमारा सिलेक्ट होगा उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, बाकी यहाँ पे हमारे पास फाइनल लैंडस्केप पोजीशन सिलेक्ट है, A4 पे प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पर हम कर देंगे फाइनल प्रिंट। तो ये हमारी फाइल ईबुक की शक्ल में जो भी आपको चाहिए फिर आप कटिंग वगैरह करके और उसको बुक की तरह प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा रिसिप्ट, वाउचर वगैरह, फीस रिसिप्ट वगैरह, या फिर हम इस तरह से जो इंस्टीट्यूट वगैरह में या ट्यूशंस वगैरह की जो हम सिलेबस वगैरह बनाते हैं वो हम इसमें बनाकर किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, ये मैंने आज वीडियो में डिस्कस किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे भी शेयर करें। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।